नमस्कार, इस वक्त मैं रोहतास जिला के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के मीठोपुर गांव में है और एक ऐसा घटना घटा है जो पूरा रोहतास जिला का संसार कर दिया है। आज बहुत सारे लोग आए हैं नीतू के घर पर, पूरा बात जानते हैं क्या मामला है और कैसे ये घटना घटा, पूरा डिटेल बताते हैं। हमने कभी रवि भैया सपोर्ट में लोकल नेटवर्क पर स्वागत है आपका, धन्यवाद। यहाँ पर आप आए हैं नीतू के, क्या मामला है इसमें? अभी तो इनके पिताजी हमको मामला बताए, इनकी बच्ची बीए पार्ट वन में पढ़ती थी, वो एग्जाम देने के लिए गई थी, नाबालिग बच्ची। एक मिनट आता हूँ, क्या कुछ है? आप बता सकते हैं इसके बारे में? हम क्या बता सकते हैं, वो तो मोबाइल, हमारे मोबाइल ली 1 बजे, अब किसी से बात की, अब दोपहर में किधर चली गई कुछ पता नहीं चला। थाना में आप आवेदन कब दिए थे? 29 तारीख। 29 तारीख कब आपको मालूम चला? मालूम ये घटना घटा इस तरह से, घटना वाला घंटा वाला तो 29 तारीख को, 30 तारीख को पता चला। 30 तारीख को पता चला, कल। हाँ, आश्वासन मिला है प्रशासन की ओर से? प्रशासन तो अभी तो चल ही रहा है, धरना अथी तब तो सब तो दिया है। प्रशासन आया है इतने दिन? प्रशासन आया है अभी, कल आया था, कल आया था। हाँ, कल आया था, आया था, क्या करती प्रशासन? आज नहीं आया, नहीं आया, कल आए थे। कुछ आश्वासन दिए हैं? हम लोग तो उधर थे, हम लोग डेड बॉडी लाने गए थे सर। क्या लग रहा है तो अभी लोग क्या जांच किया, अब घर में जाके अपना सब चेक करके अपना वो लोग गए। अच्छा, वो लोग थोड़े अभी अब तो मालूम नहीं पड़ा है क्या, अब तो लोग बताए। कौन क्लास में पढ़ते थे? बीए पार्ट वन का परीक्षा दी थी। परीक्षा देने गए थे? ना ना ना, परीक्षा नहीं दी, परीक्षा हो गया था। अच्छा, हो गया था। अरे वो बच्ची के डायरेक्ट देख करके बुला करके आई, सब कर डायरेक्ट डाल करके वो सब गलत काम कर दिया है, धन धर्म दोनों लिया है बच्ची के साथ। बच्ची मान लीजिए कि अभी मान लीजिए देहात के बच्ची थी, सीधा सपाटी थी, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा उठा, अब कौन दुश्मन उसका उठा, धन धर्म दोनों लिया उसका, अब कहने जो कुछ नहीं है, अब तो दिन बदराक कहानी है। जोगेंद्र कुशवाहा, क्या इसमें क्या करना? देखिए, मीठोपुर की नीतू नाम की लड़की थी जिसको एक साजिश के तहत समाज के दरिंदों के द्वारा मोबाइल पर बुला करके या इस तरह से यहाँ से अगवा करके ले जा करके हत्या करके नहर में फेंक दिया, जिसकी बॉडी मोकर पुल के पास मिला। पीड़ित परिवार बेटी के गुम होने के 1-2 दिन के बाद स्थानीय इंद्रपुरी थाना में उन्होंने FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज के दूसरे दिन सदर अस्पताल पांचम घर में इनको सूचना दिया गया कि एक बॉडी है, पीड़ित परिवार गया तो वहाँ उसकी बॉडी छत बिछत थी, लेकिन कपड़ों को देखने से लगा कि वो इनकी बेटी नीतू है, और वहाँ से ला करके दाह संस्कार हो गया। लेकिन पूरे यह घटना जो है पूरे रोहतास ही नहीं बल्कि पूरे शहबाद को झकझोर दिया है कि आज हर बेटी के माँ बाप एक सहमे हुए हैं। आज सच पूछे तो नीतू की हत्या हुई है, लेकिन न जाने नीतू जैसे हजारों बेटियों की माँ बाप आज सहमे हुए हैं कि हमारी बेटी अगर घर से जा रही है तो सकुशल वापस आएगी कि नहीं, ये अपने आप में विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग मौर शक्ति के तमाम टीम, हम जिला प्रशासन से सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किए हैं कि अगर 72 घंटे के अंदर में अगर नीतू को न्याय नहीं मिला, अगर दरिंदों को आप पकड़ने में अगर विफल होते हैं तो मौर शक्ति उग्र प्रदर्शन सह आक्रोश मार्च करने पर विवश हो जाएगा और इसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन को उठानी पड़ेगी 72 घंटे के बाद। जी, क्या ना आप? रवि मौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौर्य शक्ति। क्या इस मामला में, इस मामला में क्या लग रहा है? बेटी को न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए जो भी कदम उठाना होगा। आप लोग प्रशासन से बात किए? हाँ, प्रशासन से हमारी बात हुई है, आश्वासन मिला है और हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। और
उम्मीद है कि 72 घंटे के अंदर पर्दाफाश हो जाएगा, नहीं होता है तो 73वें घंटे न्याय के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा संवैधानिक तरीके से हम लोग वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अभी फिलहाल में सरिया हत्याकांड हुआ था, उससे क्या? सरिया हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है, सारे हत्यारे हैं जो जेल के अंदर भी आ चुके हैं, इसका भी लग रहा है। हाँ, जिस प्रकार से नवीनगर की बेटी के को न्याय मिला है, मिठोपुर की बेटी के साथ भी न्याय मिलेगा, मिलेगा ना? एकदम न्याय मिलेगा, हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। आज हम लोग कई एक साथी, 2 दर्जन साथी लगभग इस गांव में इनके पिताजी से मिले, इन पर क्या बीत रहा है अब यही समझ रहे हैं। एक बेटी को अल्प समय में जाना, अल्प आयु में जाना, ये एक बाप ही समझ सकता है, हम लोग इस दुख को नहीं समझ सकते हैं, इन पर क्या बीत रही है ये ही समझ सकते हैं। भाई रास्ता पर हर गया।